अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोग? ठीक ठाक हो? तो यार, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अब व्लॉग के अलावा भी कुछ कंटेंट ट्राई करूँगा, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगा। तो मैंने सोचा कि आज फिर वो वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, मैं सारा सीन बताते हैं आपको। तो बस वीडियो के अंत तक देखना आपको। तो यार, आपको पता ही है पाकिस्तान में क्रिकेट कितना मशहूर है, कितने ज़्यादा फैंस हैं क्रिकेट के। मैं खुद एक बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ क्रिकेट का। और टाइमिंग देखें, PSL भी स्टार्ट हो रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्रिकेट का फ़ैन तो मैं हूँ ही, तो ये क्यों ना इस क्रेजीनेस को, क्रिकेट के लिए जो प्यार है मेरा, इसको वीडियो में, कंटेंट में यूज़ करूँ, यूट्यूब पर यूज़ करूँ। तो तीन चीज़ें आती हैं सिर्फ, एक प्रोग्रामिंग है जो कि मेरी फील्ड है, एक व्लॉगिंग है जो रिडीम करता हूँ, और दूसरा क्रिकेट पसंद है। तो मैं सोचा कि क्यों ना क्रिकेट रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, माना कोई फॉर्मल क्रिकेटर नहीं हूँ, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये जस्ट एज अ फैन, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा रिव्यू है, जो भी मैं बातें करूँगा एज अ फैन, ये मेरा बस एक छोटा सा रिव्यू है, मेरी रिव्यू वीडियो है क्रिकेट पे। तो छोटी सी बातें शेयर करूँगा मैं, आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट आपको भी, आप में से काफ़ी लोगों को बहुत पसंद होगी, कुछ को नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी को पाकिस्तान में क्रिकेट से प्यार है, ये तो आप मानते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं। तो कुछ क्रिकेट के टॉपिक्स कवर करूँगा मैं। अभी रिसेंटली PSL भी शुरू हो रहा है, तो PSL के कुछ सारे नहीं, जो इंटरेस्टिंग मैचेस हुआ करेंगे उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, उन पे रिव्यू अपना दूंगा एज अ फैन। फिर बता रहा हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, सिर्फ एज अ फैन अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा बात पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एग्री कुछ लोग करेंगे भी, डिसएग्री कुछ लोग एग्री भी करेंगे, आई एम ओके विद इट। तो इसी रिलेटेड से मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। और वैसे भी मैंने देखा है बड़े कम यूट्यूबर्स हैं, बल्कि ना होने की बात नहीं है, जो क्रिकेट पे बात करते हैं, सिवाय जो फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, ये यूट्यूब अपना चैनल खोल बैठे हैं, इनके अलावा बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो क्रिकेट के बारे में वीडियो बनाते हैं, कोई भी बात करते हैं। एक बस है वो CB अरसलान नसीर, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी क्रिकेट इन सेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसी से इंस्पायर होके हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं ये, तो शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं, अभी जो रिसेंटली PSL का एंथम आया है, तो बड़े लोगों के कमेंट्स थे, बड़े लोगों की अपनी राय थी, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये एंथम ना काफ़ी तौर पे अच्छा लगा। अब मैं सोशल मीडिया पर इनके रिव्यूज़ देख रहा था, तो काफ़ी लोग, मीम्स भी बन रही थी, सारे कह रहे थे कि यार, काफ़ी लोग कह रहे थे कि बेकार है, अली ज़फ़र को लाओ, अली ज़फ़र के यार, एक तो ये अली ज़फ़र से मैं क्या कहूँ यार, ठीक है यार, मान लिया उसके जो अली ज़फ़र के जो एंथम्स थे पिछले, वो लेजेंडरी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है, डन, मान लिया। लेकिन यार देखो, ये गाना भी बुरा नहीं था, ठीक है। अब कहते हैं लोग कि ये गाना सुना है तो पिछला वाला गाना अच्छा लगने लग रहा है, ग्रूव मेरा, पहले उस पर गालियाँ निकाल रहे थे, ठीक है, उससे पहले जो गाना आया था पहले उस पर गालियाँ निकाल रहे थे, अब ये आया है, अब इसको बुरा कह रहे हैं। ओ भाई, मैं कहता हूँ कल को अली ज़फ़र भी कल को गाना लेकर आ जाएगा ना, तो वो बेशक जितना मर्ज़ी बुरा हो, अली ज़फ़र का गाना कल, बेशक मैं कहता हूँ जितना मर्ज़ी बुरा हो, उसको ना अच्छा मान लेना है, अली ज़फ़र को प्योर बना के बैठे हुए हैं यार, हम क्या बोलूँ मैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो मुझसे अगर पूछो ना, तो मुझे लगा ये गाना काफी अच्छा था, मुझे मजा आया सुन के। अभी ये स्टेडियम में चलेगा ना गाना, क्रिकेटिंग शॉट्स का, जब क्रिकेट हो रही होगी साथ स्टेडियम में चलेगा, तो इसकी हाइप बढ़ेगी, ठीक है, तब आपको भी मजा आएगा सुनने में। तो मेरे हिसाब से तो ये गाना काफी अच्छा और सेंसिबल गाना था, मुझे तो मजा आया सुनकर, मुझे तो अच्छा लगा। आपको नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, चॉइसेस हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं लगा, लेकिन आप मुझसे पूछें तो ठीक है, अच्छा था गाना, बुरा नहीं था, इट वॉज ओके। तो यार, क्रिकेट पे बात हो ही रही है, तो अपने पड़ोसी मुल्क पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं, इंडिया पे। तो अभी रिसेंटली आपने देखा, और भी सीरीज़ हुई है साउथ अफ्रीका के साथ, जो वो बड़ी बुरी तरह से हारे हैं। तो यार, वो तीसरे मैच में थोड़ी सी उनकी फ़ाइट नज़र आई थी, जो उन्होंने लास्ट ओवर तक फाइट की, वो बेचारा एंड पे रो भी पड़ा था कि जब हार गए थे, उसकी बड़ी एफर्ट्स डाली थी यार उसने, अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म नहीं कर चुका, ख़त्म नहीं कर सका। तो लेकिन यार देखो, इंडिया के साथ हुई बहुत बढ़िया, मज़ा बड़ा आया, इंडिया के साथ हुई बहुत बढ़िया और मज़ा आया तो आया, ठीक है ना। तो यार मज़ेदार मैचेस हुए थे, ठीक है,
बड़े ये लोग कह रहे थे कि यार साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हरा कर आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उधर कोहली भी कैप्टनसी से उतर गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ना ये डिस्प्यूट काफ़ी बड़ा हो गया था कोहली और सौरव गांगुली के बीच, बीसीसीआई के बीच। तो मुझे लग ही रहा था कि ये ओडीआई से और टी20 कैप्टनसी जब उतर है ना, मुझे लग ही रहा था, मुझे फीलिंग आ रही थी कि इसने ना टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ देनी है। तो पूरी ना इंडिया की पूरी मैनेजमेंट तब्दील हो गई है। वो जो सितारे थे ना इंडिया के, वो जो कोहली था, धोनी था और रवि शास्त्री, ये जो कॉम्बो बना था इंडिया का, इन लोगों ने बड़े वंडर्स किए हैं इंडिया के लिए। तो अब वो रवि शास्त्री भी चला गया हुआ है, राहुल द्रविड़ आ गया हुआ है, वो भी बहुत क्लासिक बंदा है यार, उसके भी बड़े रिकॉर्ड्स हैं, वो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अभी उसको काफ़ी कुछ करना है, कुछ अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग उसको कह रहे हैं कि यार, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया में कि यार ये देखो जब से ये बंदा आया है तो क्रिकेट डाउन होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक एफर्ट्स को करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अब देखते हैं इंडिया का कैप्टन कौन बनता है। मेरे ख्याल में तो शायद रोहित शर्मा बन जाएगा। ठीक है, और कोहली इज़ अ गुड प्लेयर यार, लेजेंडरी प्लेयर है, मुझे बड़ा पसंद है, इतने साल बेशक इंडियन है लेकिन मैं बड़ा फ़ैन हूँ कोहली का, मुझे उसकी क्रिकेट बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो बुरा फेज़ है, चल रहा है, हर किसी का चलता है, ये भी निकल ही जाएगा उसका भी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी सीरीज का मज़ा बड़ा है यार, साउथ अफ्रीका और इंडिया, क्या ठंडी लगाई है साउथ अफ्रीका ने इंडिया की, मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आया, आपका पता नहीं। उसके अलावा यार ये जो भी आईसीसी अवार्ड्स हुए हैं, इसमें हमारे यार टीम जीते, देखो यार अभी पाकिस्तान का टाइम आ गया है, बड़ा बुरा वक्त देखा यार हम लोगों ने, आपको पता ही है पाकिस्तान की क्रिकेट में इतने सालों में बहुत बुरा वक्त देखा है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की क्रिकेट फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी हो रही है, बेहतर फेज में आना शुरू हो गई है। देखो इन्होंने बारियां लगाई हुई थी, देखो यार पहले वो रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना, तो बाबर कहता है मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं ODI ले उड़ूंगा, फिर शहीन कहता कि यार ये दोनों बन गए, मैं क्यों पीछे रहूँ, वो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर ले उड़ा है। ठीक है, फिर ऊपर से लड़कियां भी पीछे नहीं, लड़कियों में भी वो फातिमा सनानी इमरजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीत लिए यार, मतलब मैं कहता हूँ, वो कहती लड़के आगे जा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी जीतेंगे। तो देख रहे हो, एक होता है ना क्लास का जो टॉपर होता है, क्लास में टॉप सिर्फ एक बंदा करता है, ठीक है, यहाँ पर चार बंदों ने टॉप कर लिया है, फर्स्ट सिर्फ एक आता है, लेकिन यहाँ पे चार लोग फर्स्ट आ गए हैं, एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। तो यार मुझे बड़ी खुशी हुई है जब जीते हैं हम लोग। ठीक है, बड़े अरसे बाद ये पाकिस्तान को खुशी अल्लाह करके नसीब हुई है। तो यार हाथ होना रखो, हमें सबकी आदत नहीं है एकदम से इतनी सारी खुशियाँ दे दी है यार, पहले वो वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया, फिर T20 वर्ल्ड कप में अनबीटन टीम रहे, वो तो सैड मोमेंट था जब सेमीफाइनल हार गए, मैं बड़ा सैड हुआ था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो उसके बाद फिर सीरीज़ भी हम बांग्लादेश में बांग्लादेश को हरा कर आए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली यार, मतलब एक एक करके कितनी बार यार, हमें सबकी आदत नहीं है भाई, देखो हमें सब इकट्ठी जब इतनी खुशियाँ सब इकट्ठे मिल जाती हैं ना, तो हम सहन नहीं कर पाते। ठीक है, थोड़ा हाथ वाला रखो थोड़ा, लेकिन यार मजाक के अलावा खुशी बढ़ी हुई है, और अल्लाह इसको इसी तरह रखे, और बस आप दुआ करते रहिएगा कि इसी तरह ये लोग आगे फ्यूचर में भी हमें प्राउड में कराते रहे, प्राउड फील कराते रहे। तो यार मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो यार फिलहाल के लिए तो बस यही था मेरे पास, यही सारे टॉपिक्स थे। अभी आगे PSL आ रहा है, तो PSL भी पे भी वीडियोज़ बनाएंगे, कुछ मैचेस जो इंटरेस्टिंग होंगे उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये इसके अलावा और भी आगे फ्यूचर में देखेंगे, कुछ मज़ेदार होता है तो इस क्रिकेट से रिलेटेड ही, तो हर चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, रिव्यू देंगे अपना एज अ फ़ैन। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो एंड करने से पहले बता रहा हूँ कि ये एज अ फ़ैन, एज अ डाई हार्ड फ़ैन ये सब बातें कर रहा हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं ना हो कि बाद में लोग आ जाए कि यार तू वो एक्सपर्ट बना फिर रहा क्रिकेट पे बातें कर रहा है, नहीं भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट, मैं एज अ फ़ैन अपना नॉलेज, अपना रिव्यू दे रहा हूँ इस क्रिकेट पे, अपना क्रिकेटिंग नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मेरी बात से एग्री करो, डिस एग्री करो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, एक सीरीज़ पूरी शुरू कर रहा हूँ मैं, तो इसी सीरीज़ के अंदर ये पार्ट वन है, इसका पार्ट 2, 3, 4 ऐसे आते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए पीस आउट।